नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सिटी, आपका सिलोजर फ्रेंड। दोस्तों अब आप देखिए, 2023 की शुरुआत हो चुकी है और 2023 का सबसे रॉकिंग जो ट्रांजिट था दोस्तों, शनि का ट्रांजिट, वो 17 जनवरी को हो चुका है। दोस्तों दो मेजर ट्रांजिट बचे हैं साल, एक है राहु का जो कि अक्टूबर एंड में है, एक है गुरु यानी कि जुपिटर का जो अप्रैल एंड के अंदर है। जो सभी के मन में एक बात आ रही होगी कि 12 राशियाँ जो हैं पूरी हमारी, उनमें जो अगर हम कुछ लकी राशियों की बात करें, ये 4-5-6 राशियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये राशियाँ ऐसी हैं जिनकी लाइफ सुधर सकती है इस पूरे साल, या जिनके लिए 2023 काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है। दोस्तों आज उन राशियों की बात करें, देखिए दोस्तों 12 राशियाँ, अच्छा सभी के लिए होगा, कुछ ना कुछ सभी को मिलेगा, लेकिन कुछ दोस्तों मेरी नज़र में कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आज उनकी बात करके देखते हैं कि वो कौन सी राशियाँ ऐसी हैं, चाहे वो धन की बात करें, हेल्थ की बात करें, वेल्थ की बात करें, रोमांस की बात करें, शादी की बात करें, मतलब किसी भी अड़चन की बात करें, मकान लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो कौन सी ऐसी 5 राशियाँ या कौन सी ऐसी राशियाँ दोस्तों। तो पहली राशि जिसको मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, उनमें से पहली राशि होगी दोस्तों मेष यानी कि एरीज। दोस्तों यहाँ राशि की बात कर रहा हूँ, मून साइन की, लगन की बात नहीं कर रहा। दोस्तों एरीज की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए शनि का जो गोचर हुआ दोस्तों उनके 11th हाउस में आ गया, इनकम का लॉर्ड इनकम हाउस में आके इनकम को बढ़ाएगा। दोस्तों जुपिटर का ट्रांजिट होगा दोस्तों इनके 1st हाउस में हो जाएगा, तो जो कि जुपिटर है मेष के अंदर, मेष में आ रहा दोस्तों अभी अपनी मीन राशि में, तो अप्रैल एंड में मेष में आ जाएगा, तो एक लेवल और ऊपर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चेंज होगा इनकी लाइफ का, अक्टूबर एंड में जब राहु इनका 1st हाउस यानी कि आपकी राशि को, चंद्रमा को वेकेट करके आपके 12th हाउस में चले जाएगा, तो जो एक अनसर्टेंटी थी, एक जो आप भटक रहे थे, जो एक कन्फ्यूजन थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये जो साल है दोस्तों पैसे के लिए, ये जो साल है दोस्तों मैरिज के लिए, ये जो साल है प्रॉपर्टी के लिए, लव लाइफ के लिए, स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, मतलब आप कुछ भी नाम लीजिए, मेष राशि वालों को यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों कि अब तो आपका मंगल भी डायरेक्ट हो चुका है, तो आपको तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत है अभी नहीं, सूर्य के भी बाकी जो ट्रांजिट होने वाले ठीक ठाक ट्रांजिट है, तो बेसिकली आपको 17 जनवरी से जो फ़र्क पड़ा है वो पूरे साल अब कंटिन्यू रहेगा। तो एक आपकी भी एक ऐसी राशि है जिसको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और इस पूरे साल अगर आप चाहें तो हनुमान जी की पूजा करें, बिकॉज मेष राशि के लॉर्ड हनुमान जी बनते, गले में हनुमान जी का लॉकेट डालें, पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट डालें, और मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ या मंदिर जाके सुंदरकांड का पाठ करें, या हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, ज़िंदगी बड़ी आपकी साफ़ सुथरी बनी रहेगी। बेनिफिट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मूंगा सूट करता है, अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है, तो मूंगा यानी कि जो कोरल कहते हैं वो आप पहनिए, सोने में या तांबे में, चांदी में, जो आपकी कुंडली जैसा करे पहन लीजिए। और अगर कहीं मंगल भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो फिर तो कहना ही क्या, 2023 आपकी लाइफ बदल देगा दोस्तों। ये थी पहली राशि। दोस्तों मेरी नज़र में दूसरी राशि जो है जिसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो बहुत भाग्यशाली रहेगी, वो है टॉरस। टॉरस यानी वृषभ दोस्तों, ये है शुक्र की राशि दोस्तों। अब टॉरस के अंदर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इनके लिए बहुत बड़े बड़े रीज़न है दोस्तों। दोस्तों पहला रीज़न तो ये है कि शनि जो कि इस कुंडली के अंदर कारक मैरिड बनता है, 9th और 10th त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड बन के अपने अंदर पैसा, लक, ब्लेसिंग्स, मतलब आप नाम ले सकते हैं प्रोफेशनल लक, पापा की ब्लेसिंग, प्रीवियस बर्थ की ब्लेसिंग, सब कुछ लेके चलता है, दी मोस्ट पावरफुल प्लैनेट शनि। और दोस्तों उसकी मूवमेंट हुई है इनके 10th हाउस में, यानी कि अपने ही 10th हाउस में मूल त्रिकोण राशि के अंदर, तो इनकी ज़िंदगी को संवार देगा। यहाँ से प्रॉपर्टी के इशू, प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी बिजनेस के अंदर, आपका बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा था, वो 17 जनवरी को चीज़ हो चुकी है आपके साथ, अब ये कंटिन्यू रहेगी पूरे साल। उसके बाद दोस्तों जब गुरु का ट्रांजिट होगा अप्रैल के अंदर, गुरु दोस्तों मूव करके आ जाएगा मेष राशि के अंदर, यानी कि आपके 12th हाउस के अंदर, और 12th हाउस में दोस्तों गुरु आते ही आपकी हेल्थ को अच्छा कर देगा, चैरिटी बढ़ा देगा, खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन अच्छे कामों पे, नेगेटिव खर्चे खत्म। एंड द बेस्ट पार्ट, अक्टूबर एंड में जब राहु की मूवमेंट हो जाएगी, आपके 12th हाउस को वैकेट कर देगा जो कि सबसे नेगेटिव प्लेस में होती है राहु की, मूव करके 11th हाउस में आ जाएगा, तो किस्मत आपकी बुलंदी पर आ जाएगी। अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब हर सोर्सेज से आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा, धन लाभ लॉटरी के योग यहाँ से बन जाते हैं, लॉटरी मतलब अनएक्सपेक्टेड गेंस। तो दोस्तों ये जो साल है प्रोफेशनली अगर हम लोग बात करें, बहुत बड़ा साल, एसेट लेना चाह रहे थे बहुत बड़ा साल, कोई आपके रिश्ते बिगड़े हुए थे रिश्ते बनाने के लिए बहुत बड़ा साल, और सबसे बड़ी बात क्योंकि वृषभ राशि होती है शुक्र की, चंद्रमा की उच्च की राशि, तो मेंटली भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बिकॉज राहु भी यहाँ से आपके 12th हाउस को वैकेट करके 11th हाउस में आ जाएगा। तो जिनको हेल्थ के इशूज चल रहे थे, क्योंकि राहु अभी तक आपके 12th हाउस में था, तो इस साल जब एंड में मूव करेगा तो अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड खर्चे कम हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चे कम हो जाएंगे, जिनके दोस्तों मैरिज में इशूज चल रहे थे, लीगल की बात चल रही, डाइवोर्स की बात चल रही थी, वहाँ पे शांति मिलेगी, जिनके जिनमें कोई 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 मान के चल सकते हैं दोस्तों कि जेल जाने की यात्रा, जेल यात्रा के योग बन रहे थे, वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो वृषभ वालों के लिए शनिदेव का पूरा आशीर्वाद,
और अगर आपकी कुंडली सूट करे तो आप चाहे तो एक ये डायमंड पहन सकते हैं या ओपल पहन सकते हैं। और कुंडली में अगर शनि का भी आपको सब प्लेसमेंट वगैरह ठीक है तो एक नीलम चाहे तो आप नीलम भी पहन सकते हैं मिडल फिंगर के अंदर। तो दोस्तों वृषभ वालों के लिए स्पेशल राज योग बनते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर सब कुछ पैसा से लेके लव लाइफ से लेकर रोमांस, और स्पेशली वो सभी लोग जो इवेंट्स के अंदर है, मीडिया के अंदर है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है, या डिजाइनिंग भी किसी तरीके की डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट हैं आप, म्यूजिशियन है, सिंगर है, फैशन के साथ जुड़े हैं, बुटीक सलून पार्लर है आपका, तो ये वाला साल आपके लिए बहुत बड़ा साल होगा। तो बल्ले बल्ले साल, कोई टेंशन नहीं, मज़ा आ जाएगा आपको। और हाँ, पूरे साल अगर हम लोग शनिदेव की पूजा करें, जैसे दोस्तों शनिवार के दिन मंदिर जाना है शाम को, शनिदेव को तेल अर्पित करें, उनके आगे दीपक जलाएं, तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों अगर हम तीसरी राशि की बात करें जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से लकी राशि बनेगी, दोस्तों तीसरी राशि बनेगी तुला राशि, तुला माने के लिब्रा। दोस्तों लिब्रा की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों उनकी ढैया खत्म हो रही है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात क्या दोस्तों, उनको वहाँ बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी बात क्या दोस्तों कि शनि आपकी कुंडली के अंदर जैसे वृषभ के अंदर बनता है फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड, आप नाइन्थ और टेंथ का लॉर्ड आपकी अपनी कुंडली के अंदर, शनि अगेन केंद्र फोर्थ और त्रिकोण फोर्थ और फिफ्थ का लॉर्ड बन के प्रॉपर्टी और फैन फॉलोइंग बढ़ा के चलता है, आपके लक बढ़ा के चलता है, रोमांस को बढ़ा के चलता है, आपके जो बच्चों वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करके चलता है, आपका स्पेकुलेशन वाले पार्ट को कंट्रोल करके चलता है, आपके स्टमक वाले पार्ट को कंट्रोल करके चलता है, हार्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करता है, रोमांस वाले पार्ट को कंट्रोल करता है। और शनि का फिफ्थ का लॉर्ड अपने ही फिफ्थ हाउस में आते ही इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना, तो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी वृद्धि होगी जो कि 17 जनवरी को हो चुका है। साथ में ढैया भी खत्म हो गई, ढैया खत्म होती चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो गई। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये गुरु मूव करेगा, जुपिटर मूव करेगा अप्रैल के अंदर, जुपिटर आपके सेवन्थ हाउस में आ जाएगा, और सेवन्थ का जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देखते ही आपकी शादी के योग, फैमिली के अंदर अच्छे खासे योग, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, एजुकेशन के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, पढ़ाई के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलेक्ट वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाएगा आपका। तो गुरु का सेवन्थ हाउस में ना बिगड़े रिश्तों को बना देगा, पार्टनरशिप बिजनेस अपने को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा, जब राहु की मूवमेंट होगी, देखिए राहु अभी चल रहे हैं, अगर हम बात करें इसके अंदर मेष के अंदर चल रहा है, वो आपका बनता है सेवन्थ हाउस, तो सेवन्थ हाउस का राहु जैसे ही वेकेट करके सिक्स्थ हाउस में आ जाएगा, मैरिज वाला पार्ट एक्टिवेट हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटीज वाला जो अब तक डिस्टर्ब थी वो भी कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो जाएगी, और सिक्स का राहु कहीं ना कहीं आपको विदेश यात्रा के योग बना देगा। तो ये तीनों जो ट्रांजिट, बड़े बड़े ट्रांजिट हैं, ये इतना बड़ा काम करेंगे आपके लिए कि तुला राशि वालों के लिए साल बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या, तुला राशि का नंबर आता है सात, नंबर सेवन राशि बनती है तुला, और 2023 का जो टोटल है वो भी साथ ही आते हैं, तो एक और स्पेशलिटी हम देखें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। दोस्तों भाई जो वृषभ के लिए कहा था, नीलम पन्ना ओपल अगर आपको सूट करता है पहनिए, शनिदेव के पूरे साल पूजा करना है, लक्ष्मी जी की हमने पूजा करनी है, फ्राइडे के फ्राइडे अगर आप हो सके देसी घी का दान करें, मिश्री का दान करें, बताशे का दान करें, अच्छा लगेगा आपको, मंदिर जाकर देंगे चीज़ें बेटर होंगी, परफ्यूम का दान करें, और आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फ्राइडे का फ्राइडे गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे तो भी आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज ये साल आपकी ऊंचाइयों को बहुत ऊपर लेके जाएगा, मकान दुकान गाड़ी जो भी आप लेना चाह रहे थे वो सब चीज़ें आपके पास आएंगी। अगेन वो सभी लोग जो मीडिया के साथ जुड़े हैं, वो फैशन के साथ जुड़े हैं, ब्यूटी के साथ है, कॉस्मेटिक के साथ है, नेल आर्ट के साथ है, मतलब किसी भी तरीके से आप जो लेडीज़ को एनहेंस करते हैं उनकी ब्यूटी में, एक्सेसरीज के साथ जुड़े, तो ये साल बहुत बड़ा साल हो जाएगा। दोस्तों चौथी राशि अगर आप मुझसे पूछोगे तो चौथी राशि जो है इस साल की अगर हम लोग बात करें वृश्चिक राशि बनेगी। दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए ये साल अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा साल हो जाएगा, इसमें जो शनि बनता है दोस्तों फोर्थ का लॉर्ड बनता है, प्रॉपर्टी का लॉर्ड बनता है, नौकर चाकर का लॉर्ड बनता है, फोर्थ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आते ही आपको फोर्थ हाउस के जो वो है दोस्तों चीज़ें होती हैं जिससे रिलेट करता है शनि, वो सब में बढ़ोतरी हो जाएगी, प्रॉपर्टी बन जाएगी, इमोशनली आप स्ट्रांग हो जाओगे, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी यहाँ पे बढ़ चुकी है। फोर्थ का शनि टेंथ हाउस को देखेगा तो कहने के प्रोफेशनली आपको हाइट्स गेन करेंगे, क्योंकि शनि जैसा प्लैनेट स्टेबिलिटी देके चलता है, लंबा प्लैनेट है मतलब लंबे टाइम के लिए आता है इनफैक्ट, तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिलेगी लंबे टाइम के लिए मिलेगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी थी आपकी, अपनी प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में आप लोग जा सकते हैं यहाँ से, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा ये वाला शनि के आने की वजह से, धन लाभ बहुत बड़ा यहाँ पर धन लाभ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गुरु की, देखिए गुरु आ जाएगा आपके छठे घर के अंदर सिक्स हाउस के अंदर, अमूमन प्लैनेट सिक्स हाउस में आकर दोस्तों नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आपके कुंडली के लिए गुरु जब सिक्स हाउस में आएगा तो चीज़ों को बेटर करेगा, आपको पेट की समस्या लेडीज़ को थी अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको गायना इशूज थे उसमें कंट्रोल करेगा, क्योंकि गुरु का जो एस्पेक्ट जाएगा दोस्तों ट्वेल्थ और सेकंड पे जाके जो लगन है आपका जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको सराउंड करके उसको स्ट्रेंथ देगा, तो वहाँ भी अपने को हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा, और कहीं ना कहीं दोस्तों नेगेटिव खर्चे कम, हेल्थ अच्छी, इम्यूनिटी ऊपर, और दुश्मनों से शांति मिलेगी। छठे घर का गुरु दोस्तों आपको दुश्मनों से शांति दिलाते हैं, जो लोग आप पर हावी हो चुके थे, आपको मानसिक तौर पर परेशान कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ा साल होगा, वो सारे दुश्मन आपके शांत हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब इस साल के अंत में दोस्तों राहु भी मूव करके आपके छठे घर को छोड़ के
आपके फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, तो लक के अंदर प्रॉस्पेरिटी होगी। हाँ, उसमें हो सकता है पेट का थोड़े से आपके इश्यूज हो, तो वो एक छोटी सी बात है, लेकिन फिफ्थ का राहु वो भी गुरु की राशि के अंदर लक के अंदर प्रॉस्पेरिटी देकर चलता है, लॉटरी का योग बनाता है, स्पेकुलेशन का योग बनाता है, फॉरेन स्टडीज़ का योग बनाते हैं। बच्चों को बाहर जाना था पढ़ने, तो बच्चों के फिफ्थ हाउस बच्चों को होता है, आपके बच्चों को बाहर जाना था पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करने जा सकते हैं बच्चे, यहाँ से उनके योग खुल जाते हैं, वीज़ा मिल जाता है, या कोई भी दिक्कत थी, ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा था, एक्चुअली पीआर नहीं मिल रहा था, वो सब चीज़ यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो तीनों के तीनों ट्रांजिट के लिए, वृश्चिक वालों के लिए बहुत बढ़िया। अगेन, हनुमान जी की पूजा मूंगा पहन सकते हैं आप, हनुमान जी को चोले आप अर्पित कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आप चाहें तो लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर किसी इंटरव्यू को ले जाते हैं, अपना प्रोजेक्ट के लिए आप जाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, या बिजनेस में किसी पेमेंट लेने जाते हैं, नए प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, तो कोशिश करें कि लाल रंग आपने पहनो, लाल रंग प्रोमिनेंट हो, तो ये वाला साल आपके लिए बहुत बड़ा साल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गए चार। और आखिरी राशि अगर आप मुझसे पूछोगे जिसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसमें है धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि की 7.5 साल की 7.5 सती खत्म हो गई इस साल 17 जनवरी को, तो ये इकलौता पॉइंट है दोस्तों, इनकी लाइफ को बहुत आगे लेके चले जाएगा। 7.5 साल के जो स्ट्रगल थी, 7.5 साल के जो उनकी स्टैग्नेशन थी, डिलेस थे, उनमें विराम लग गया, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों, शनि अब तक आपके सेकंड हाउस में था, 7.5 ही थी, और कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में आके एज अ मार्केश काम करते हुए फोर्थ हाउस को देखते हुए, जो कि आपके लंग्स और आपके इमोशंस को तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप डिप्रेशन में थे, आप इमोशनली लो फील कर रहे थे, सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोनली फील कर रहे थे, आप सैड थे, आप सैडनेस ने आपको घेरा हुआ था, अब उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। सेविंग्स यहाँ पे बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ से बढ़ेगी, और क्योंकि सेकंड का शनि दोस्तों 8th हाउस को देख के आपको पाइल्स के इश्यूज या इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इश्यूज क्रिएट करके, जहाँ पे आप मोशन जाते हो, उस एरिया में प्रॉब्लम क्रिएट करके चल रहा था, वहाँ पे अपने को रिलीफ मिल जाएगा। और थर्ड हाउस में शनि आते हैं, यारों दोस्तों से बेनिफिट, सिबलिंग से बेनिफिट, परिवार से बेनिफिट, पड़ोसियों से बेनिफिट, घूमना फिरना, सेल्फ की पावर बढ़ जाएगी, और जो लोग टिकटिंग बिजनेस के अंदर है, प्रमोट इसमें कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस के अंदर, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। तो बहुत पॉजिटिव चेंज, पहला 7.5 सती का खत्म होना, दूसरा शनि के मूवमेंट। दोस्तों, उसके बाद हम अगर बात करें गुरु की, देखिए कितना बड़ा चेंज हो जाएगा आपके लिए कि गुरु की जो मूवमेंट होगी आपके 5th हाउस में आ जाएगी, और 5th का गुरु आपका 9th को देखेगा, धर्म को बढ़ा देगा, आपके 11th को देख के आपकी इनकम को बढ़ा देगा, और आपके 1st हाउस को देख के आपकी आपके कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन, आपकी हेल्थ को बढ़ा देगा। तो गुरु का जो चेंज होगा अप्रैल एंड के अंदर, वो आपकी लाइफ को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा। तो जो भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आप पे कर्जे चल रहे थे, आपकी हेल्थ खराब हो रही थी, कुछ भी इश्यूज़ होते, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब एक आखिरी में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उसके बाद अगर हम लोग देखें राहु के मूवमेंट, राहु आ जाएगा मूव करके दोस्तों, अभी तक आपके 8th हाउस के अंदर है, 8th का राहु मूव करके आपको 7th हाउस में आ जाएगा, मतलब मीन राशि के अंदर। अब मूवमेंट 7th का राहु दोस्तों इतना अच्छा नहीं होता, बट गुरु की राशि में आके, केंद्र के अंदर आके, वो गुरु जैसा ही बिहेव करेगा, तो उसकी जो नेगेटिविटी बाकियों के लिए हो सकती थी, वो आपके लिए इतनी नहीं होगी, बिकॉज वो गुरु की राशि के अंदर है, आपकी मेन राशि के अंदर। आपके जब 1st हाउस का वो देखेगा, तो अभी अगर हम लोग बात मान के चल सकते हैं कि वो इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं देने वाला। दोस्तों एक सेकंड, सॉरी, देखिए अगर हम बात करें राहु की, बात करें राहु अगर आपके देखेंगे हम लोग मूव करके आ जाएगा आपके 5th हाउस के अंदर, तो ये जो राहु की जो मूवमेंट होगी, जो कि अब तक 5th हाउस में चल रहे हैं, थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों, राहु अभी तक आपका चल रहा है इसके अंदर 4th हाउस के अंदर, 12 नंबर में, जो इसकी लैंडिंग होगी 12 नंबर के अंदर हो जाएगी, अभी तक 5th हाउस में, आपके 4th हाउस में आ जाएगा, गुरु 5th हाउस में जाएगा, राहु 4th हाउस में आएगा। दोस्तों 4th हाउस का राहु ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली घर परिवार के लिए, या वो उन लड़कियों के लिए जो जिनके साथ थोड़े इन लॉज का इश्यूज़ चल रहे, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्योंकि दोस्तों गुरु आपका 1st हाउस को देखेगा 5th हाउस तक, जैसे मैंने बताया आपको, तो चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये रन जाते हैं, थोड़े इमोशनली आप अपसाइड डाउन हो सकते हो, लेकिन बाकी अगर हम लोग चीज़ें देखें, स्टैग्नेशन की, हेल्थ की, वेल्थ की, शादी की, पैसे की, आपकी जॉब की, आपके प्रमोशन की, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। 7.5 साल की समस्या खत्म, बस राहु की जो मूवमेंट होगी आपके 4th हाउस में, उसके लिए आप राहु के रेमेडीज कर सकते हो, राहु के मंत्र पढ़ सकते हो, और गुरु का मजबूत करने के लिए आप पुखराज पहने, मज़ा आ जाएगा आपको। 9th हाउस किस्मत का, तो उसका लॉर्ड बनता है आपका सूर्य, सूर्य के लिए आप माणिक पहने, मज़ा आ जाएगा आपको, किस्मत बुलंदी पर आ जाएगी, बाकी कोई टेंशन नहीं दोस्तों। यानी कि वृषभ दोस्तों, मेष वृषभ नंबर 2, उसके बाद दोस्तों तुला नंबर 3, वृश्चिक नंबर 4, और धनु यानी कि सैजिटेरियस नंबर 5, ये पांच राशियों के लिए 2023 बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहा है, सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन इन 5 राशियों के लिए दोस्तों फिंगर क्रॉस, डबल थम्स अप, इन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी लाइफ को बड़ा करें, जो प्लान कर रहे थे नहीं कर पाए थे अब तक, उनको आप धरातल पर लेकर आइए, उन पर काम करिए, अपने अपने इष्ट देव की पूजा करें, बहुत मज़ा आ जाएगा। और कहीं अगर आपके पार्टनर की भी कुंडली अच्छी है, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। और अपनी अपनी कुंडली में देखिए कि जो जो प्लैनेट आपके बनते हैं लॉर्ड, अगर वो स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं, तो उनको तो कुंडली और अच्छी हो जाएगी, अगर वो वीकली प्लेस्ड है, तो उनके उपाय करें, रेमेडीज करें, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताते रहता हूँ आपको कि किस प्लैनेट के लिए क्या क्या रेमेडी करें, तो फ़र्क पड़ता है। चलिए दोस्तों, इन 5 राशि वालों को ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।